नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी खबरों की पड़ताल। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा और रुक करते हैं खास खबरों की ओर। कालाबाजारी करने के उद्देश्य से कृषि विभाग ने श्रीनाथ लाज में बड़ी मात्रा में बीज उतार कर छिपाया। राजगढ़ जिले के खिलचीपुर नगर में कृषि विभाग का बड़ा मामला सामने आ रहा है, जहां कृषि विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की मिलीभगत से किसानों के बीज को ब्लैक मार्केटिंग करने के उद्देश्य से 4 सेंटर का बीज एक ही जगह बस स्टैंड के पास श्रीनाथ लाज में दूसरी मंजिल के कमरे में उतारा गया है, जो नियमानुसार गलत है एवं गरीब किसान बीज के लिए परेशान हो रहे हैं। लितिका तिवारी ट्रेनिंग के लिए 26 तारीख को भोपाल गई हुई थी, उसके नाम का बीज दूसरे को कैसे दे दिया गया, जिसकी सूचना मिलते ही मीडिया कर्मी ने मौके पर जाकर चेक किया तो वहां पर पाया गया कि किसानों के बीज के साथ कालाबाजारी करने के उद्देश्य से एक ही जगह उतारा गया है, जबकि उक्त बीज RAEO सेंटर से बांटा जाना था, क्योंकि सेंटर खिलचीपुर से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर है। किसान अनपढ़ है, मोबाइल की सुविधा नहीं है, गरीब है, उन किसानों को खिलचीपुर बुलाकर 2 kg सरसों देना क्या न्याय संगत है? अगर खिलचीपुर से बीज बांटना था तो कार्यालय से क्यों नहीं बांटा गया? RAEO द्वारा कमरा लेकर खिलचीपुर में बीज बांटने का क्या औचित्य है? बीज सरपंच जन प्रतिनिधियों के समक्ष वितरण करना है, परंतु यहाँ कौन सा जन प्रतिनिधि आएगा? खिलचीपुर से बीज बांटने का एक ही उद्देश्य है, कृषि विभाग का बांटो तो बांटो, नहीं तो बेच दो। यहाँ खिलचीपुर में कौन देखने वाला है? इस मामले की सूचना पत्रकार ने SDM पल्लवी वेद मैडम को दी, जिस पर SDM मैडम ने नायब तहसीलदार विकास रघुवंशी को मौके पर भेजा, लेकिन नायब तहसीलदार खुद कृषि विभाग के SADOML बिजावर को अपनी गाड़ी में अपने साथ बिठा कर लाए, लेकिन नायब तहसीलदार के द्वारा मामले को गंभीरता से नहीं लिया गया। इनके द्वारा स्टॉक रजिस्टर भी चेक नहीं किया गया एवं इनके द्वारा पत्रकार को दबाया गया है। पत्रकार का कैमरा धमका कर बंद कराया गया, जिसका साक्ष्य के रूप में वीडियो भी मौजूद है। नायब तहसीलदार एवं कृषि विभाग के अधिकारियों की लापरवाही को देखते हुए इस मामले की जाँच कमेटी गठित कर सघन जाँच कराई जाए, जिससे किसानों के साथ न्याय हो सके। हमें टोटल चारों को ये मिला है, 11 बैग 15 लूज ये सरसों के हैं और मसूर के हैं 78, चना प्रदर्शन के 53, मसूर प्रदर्शन के 32 और इसके 24, ये पूरे चारों में ये पूरा ये वाला माल जो है पहले इसको बंद जी पूछा ही चालू करने से पहले जी सर इसे बंद कर क्या समस्या आपकी वो बताइए। समस्या इसमें ये है कि यह किसानों का बीज है, ये वाला माल वहाँ पर जाना चाहिए था पपड़ेल, क्योंकि किसान और यहाँ पे यहाँ लेने के लिए आएंगे, मतलब उनका पेट्रोल जलेगा, खर्चे जलेगा, उनको बीज वहीं पे वहीं के लिए माल उतरना था ये पपड़ेल, तो यहाँ पे इनके पास माल उतारने के लिए परमिशन विभाग द्वारा दी गई कि इनको नहीं, इनके पास परमिशन नहीं क्या सर जी? जी तो सर हम तो बात सही कर रहे हैं ना सर, ये वाला बंद कर लो जो प्रश्न आपको पूछना है जी, तो वही तो पूछ रहा हूँ सर मैं आपसे, मतलब मैं कौन सी बात गलत कर रहा हूँ सर इसमें? सर मैं आपसे यही तो पूछ रहा हूँ, इनके पास परमिशन है कि आप थोड़ा चेक करा लीजिए इसमें।